वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कपलिंग के ऊपर। क्या कहा जा रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में? फ्लूइड कपलिंग है जिसमें उसकी ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट्स की स्पीड्स दी हुई है और पूछा है इफिशियंसी ऑफ कपलिंग एंड स्लिप ऑफ कपलिंग। गिवन डेटा क्या क्या है अपने पास? स्पीड ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग हम लोग 1 से डिनोट करेंगे या इनपुट से, और ड्रिवन को आउटपुट से। तो ड्राइविंग को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एन आई। कितना दिया है? 800 आरपीएम। और ड्रिवन को एनओ, आउटपुट में ड्रिवन होगा 780 आरपीएम। फाइंड क्या करना है? पहली चीज इफिशियंसी, दूसरी चीज स्लिप। सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन अपने को पता है, इफिशियंसी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। क्या मजाक कर रहे हैं सर, आप लोग भी कहेंगे, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिल सकता है। बकायदा किस्मत अच्छी होनी चाहिए तब, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन जनरली आया तो सभी कोई कर लेंगे। इफिशियंसी क्या है अपने को पता है? एन ओ अपॉन एन आई। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 780 अपॉन 800 इंटू 100 कर देंगे तो अपना क्या परसेंटेज में आ जाएगी, तो कितनी आ गई? 97.5%। फ्लूइड कपलिंग के अपन ने देखा था एफिशिएंसी 95% के रेंज में होती है। और स्लिप, स्लिप अपने को पता है क्या? डिफरेंस बिटवीन क्या? इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट। तो स्प्लिट स्लिप वो होता है, और परसेंटेज स्लिप अपन लोग एस से डिनोट करते हैं, तो 1 माइनस एन। अब इसमें दिया नहीं है कि स्लिप निकालना है कि परसेंटेज स्लिप, तो आप दोनों निकाल दो। परसेंटेज स्लिप एस, परसेंटेज स्लिप कितना हो जाएगा? 1 माइनस, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.975, तो ये कितना आएगा? 0.025 इज इक्वल टू 2.5%। ये परसेंटेज स्लिप हो गया। और यदि स्लिप पूछा केवल, तो स्लिप क्या होता है? एन आई माइनस एन ओ इज इक्वल टू 800 माइनस 780, दैट इज 20 आरपीएम। RPM है तो दोनों चीज निकाल दो, आपको क्लियर नहीं पूछा गया तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।